शादी को आने वाली बहुत सी जिंदगियों के लिए एक अवधि मिलाप समझा जाता है हिंदुस्तान में शादियों को नागरिकों के पर्सनल लॉ के मुताबिक उन्हें मुनजम किया जाता है इंटर रिलीजियस शादियों के लिए हमारे पास बिर्तरीब स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और फॉरेन मैरिज एक्ट 1969 है बदलते सामाजिक ढांचे के पेशे नजर ऐसे बहुत से केसेस मंजर आम पर आए हैं जहां लड़का लड़की आपसी रजामंदी से एक साथ तो रहना शुरू कर देते हैं लेकिन कुछ ही अरसे के बाद एक साथ रहने और जिंदगी बसर करने वाले सारे कसम वादे किस्से पानी ना बन जाते हैं और दोनों आपस में दूरियां बना लेते हैं लड़की को शादी का लालच देकर उसको यूज करने के बाद अगर कोई शख्स उसे छोड़ता है तो हमारी अदालतें ऐसे केसेस को रेप की कैटेगरी में नहीं रखती बल्कि इसे रिलेशनशिप के तौर पर देखा जाता है जिसकी सुनवाई आईपीसी के सेक्शन 90 के तहत की जाती है अलबत् अगर लड़की को शादी का झांसा देकर इसके साथ जबरदस्ती सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाई गई तो फिर अदालतें ऐसे मामलों को रेप की धारा 375 और 376 के तहत देखती हैं जिसमें قصوروار साबित होने पर सख्त सजा का प्रावधान है प्रॉमिस टू मैरिज एक्ट क्या है और इसके तहत किन-किन पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है इसे समझने के लिए देखिए हमारी ये खास पेशकश नाज़रीन ना आदाब इस्तकबाल है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपना मुल्क अपना आईन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नौमान आज की इस खास पेशकश में हम बात करेंगे प्रॉमिस टू मैरिज की जी हां शादी नहीं शादी का वादा और अगर ये वादा वफा ना हो और अगर ही धोखा हो जाए तो क्या है आपके कानून और क्या है आपके लीगल राइट्स आज इस अहम मौजू पर हम बातचीत करेंगे और इस अहम मौजू पर गुफ्तगु करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील मोहत्तरमा अवंतिका तिवारी साहिबा और हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने वाने वकील रोहित वट साहब इन दोनों के अलावा हमारे साथ आज स्टूडेंट्स की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है सभी लॉ के स्टूडेंट्स हैं सबके पास बहुत सारे सवाल हैं जिनको आज इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे आज की इस पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत इस्तेकबाल है अवंतिका जी जब हम बात करते हैं प्रोमिस टू मैरिज की आपने इस विषय पर इस मौजू पर रिसर्च भी की है आपका एक काफ़ी लंबा काम आपने किया है आखिर क्या हकीकत है अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो लिविंग uh, के अंदर तो लोग रह रहे हैं दुनिया के दूसरे देशों में भी लोग रहते हैं हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में क्या मसले पेश आ रहे हैं जिस तरह से अब केसेस आ रहे हैं कोर्ट के अंदर हाँ तो आ, बहुत सारे मसले हैं इसमें एक कि हमारा देश जो है वो उसमें बहुत सारी कास्ट और क्लास हायर हैं जो जो एक सच्चाई है हमारे देश की और इसकी वजह से ये भी होता है कई बारी बहुत जो ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रिसर्च करी है तो सारी रिसर्च हो रही है इस पे तो उन्होंने ये देखा है कि ज्यादातर केसेस में ये हुआ है कि जो लड़की है जब वो एफ करने जाती है तो उसके माँ बाप उस, उसके माँ बाप या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उस उनके कहने पे यह एफ होता है मतलब उनका दखल होता उनका है उनका दखल होता है इन इस तरह के केसेस में इन, हाँ प्रॉमिस टू वैरी रेप केसेस में ये दखल बहुत ज्यादा होता है और दूसरा दूसरा जो सच है इसका कि हमें ये भी देखना है कि जो रिसर्च हुई है उसमें ये भी दिखाया गया है कि ये जो लड़कियां हैं ये एक ये, ये किन, किस किस तबके से बिलोंग करती हैं हमें ये भी समझना ज्यादा जरूरी है कि इन लड़कियों की सच्चाई क्या है ये टीनेजर्स हैं मोस्ट मोस्ट केसेस में ये लड़कियां जो होती हैं ये टीनेजर्स होती हैं जिनको, जिनको जिनको और हम सब जानते हैं जब हम टीनेजर्स होते हैं तो हमें हमें अच्छा दुनिया अच्छी ही लगती है तो तो ये सब उन उनके क्या सपने हैं कई बार ऐसा देखा गया है कि ये उन हाउस होल्ड से बिलोंग करती हैं जहां पर उनको बचपन से नेग्लेक्ट किया गया है और एक इंसान है जो उनको जिन जिन जो लग जिन, जिन, जिसकी वजह से उनको ये लग रहा है कि ये जो नेग्लेक्ट हुआ है हाउस होल्ड में इससे मैं बाहर निकल आऊंगी और ये मुझे एक्सेप्ट कर रहा है ये और मुझे... ये, एक... ये सबसे अच्छा है जो मुझे समझ रहा है। और मुझसे शादी करना चाहता है और फिर हम ये देखते हैं कि आधे से ज्यादा केसेस में ये होता है कि ये जो लड़की है ये प्रेग्नेंट हो जाती है और नारी निकेतन में होती है क्योंकि अब इसकी खुद की फैमिली इसको छोड़ चुकी है तो ये ये भी रियलिटी है जो हमें देखना है और जो हमें समझना है बिल्कुल आपने एक ऐसे मामले पर रोशनी डाली जो हमारी सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं हो रहा है और रिसर्चेज में ऐसी बातें सामने आई हैं रोहित जी जब हम आगे की बात करते हैं इससे जब केसेस जो हैं आपके पास आ जाते हैं किस तरह के केसेस आ रहे हैं क्या यही रियलिटीज हैं कि टीनेजर्स ज्यादा हैं और उनके साथ ऐसा धोखा हो, हो रहा है या कुछ और भी मामला हैं देखिए केसेज हर प्रकार के आते हैं जहाँ पे कई जगह हमें लगता है कि ये केस बिल्कुल सही है जायज़ है और इसमें सजा होनी जरूरी है जिसमें एक धोखाधड़ी हुई है लेकिन आमतौर पर जो ज्यादातर केसेस आजकल आ रहे हैं वो ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया था एक बदले लेने की भावना से या तो कि मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन के चार साल दिए हैं पांच साल दिए हैं अभी है मुझे छोड़ के जा रहा है तो एक रिवेंज फुल्कि अभी यह नहीं जाना चाहिए या फिर इस वजह से है कि घर वालों ने उनके रिश्ते को अपनाया नहीं है और समाज में बेजती से बचने के लिए घर वालों ने एक केस डाल दिया है उस लड़के पे कि भाई यहाँ तो रेप कमिट हुँ। हुँ। हुआ है क्योंकि इन्होंने पहले झूठी प्रॉमिस की कि ये शादी करेंगे अभी अपनी शादी से मुकर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशंस में कोर्ट भी यह देखता है कानून ने भी ये प्रावधान दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ तक इंटरप्रिटेशन दी है कि ऑफ द केस देखने पड़ेंगे कि किस तथ्य क्या तथ्य है किस कारण से प्रॉमिस दी गई थी क्या उस प्रॉमिस का ब्रीच हुआ है या वो या वो प्रॉमिस इनिशियली फेक गलत तरीके से दी गई थी सिर्फ एक फायदा उठाने के लिए तो उस तरीके से हमें हर केस का तथ्य अलग होता है हर व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अपना व्यवहार अलग होता है व्यवहार में चेंज क्यों आ रहे हैं कई बार कई आप शादी भी कर लेते हैं लोग शादी कर लेते हैं शादी के बाद मनमुटाव हो जाता है लोग अलग अलग रहना शुरू हो देते हैं नहीं बनते व्यवहार आपने प्रॉमिस कर दी आप शादी की स्टेज तक पहुंच रहे उससे पहले आपका रिलेशन वियर एंड टीयर हो गया है आप उसको आगे नहीं निभा पाते हैं उस समय एक समझ होनी चाहिए कि क्या आप उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे उस जिस तरीके से क्या होता है ज्यादातर लोग एक बदले की भावना से रहते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं जाएगा तो उस समय एक केस और आपस में वो चीजें चल जाती हैं अगर शुरू में जहां मोहब्बत थी वहां तक तो थी उसके बाद जब दुश्मनी हो गई तो आप बिल्कुल बिल्कुल ना जहां मोहब्बत मोहब्बत ज्यादा होती होती है है दुश्मनी भी वही होती है। आ, की भी इंतहा है तो दुश्मनी की भी इंतहा है तो ये एक चीज मैं यहाँ पर एक भी जानना चाहूंगा जैसे आप भी महिला हैं क्या आज भी हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं क्या वाकई जैसे रिसर्चेज भी आपके सामने हैं क्या आज भी हमारी भारतीय महिलाएं लड़कियां आसानी से धोखे में आ रही हैं तो ये ये एक ज़रूरी बात है कि हम भारतीय महिलाओं को भी एक यूनिवर्सल कैटेगरी की तरीके से नहीं देख सकते हम भारतीय महिलाओं में भी कास्ट क्लास डिस्टिंक्शन है और हमें उसको भी हमें हमें उसको भी तवज्जो देनी है कि वो वो महिला कहाँ से है वो किस तबके से है क्या है तो भारतीय महिलाएं एक

तो ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं मानते कि ये जो लड़कियां हैं ये एक एक ऐसी लड़कियां हैं जो अपना डिसीजन कास्ट क्लास के ऊपर लेके कर सकती हैं या लड़के भी हैं जो भी हैं आज जब हम सोसाइटी को इतना ऊपर लेकर के आए हैं तो हमने इतना आजाद भी किया है उनको कि वो अपने फैसले खुद ले सकती हैं और अगर कहीं किसी के साथ ऐसा हो जाता है रोहित जी अगर किसी को लगता है कि वाकई अब ये धोखा हुआ है शुरू से मेरे साथ धोखा हो रहा था देन

फैक्ट्स के ऊपर देखते हुए बाकी दूसरी चीज क्या होती है जब एक व्यक्ति खुद इमोशनली साउंड होता है और इंडिपेंडेंट होता है तो उसे लगता है कि जब वह कंसेंट दी थी उस समय कंसेंट दोनों तरफ से थी कंसेंट कभी एक तरफ से नहीं हो सकती आप कह सकते हो कि लड़के ने कंसेंट ले लिया लड़की ने कंसेंट दे दी लेकिन कंसेंट दोनों की म्यूचुअल कंसेंट थी तभी आप किसी शारीरिक संबंध में या किसी सेक्सुअल एक्ट में आए हैं अगर कंसेंट एक तरफ से है तो वो कंसेंट मान्य ही नहीं है तो जब आपने दोनों ने एक समय में कंसेंट दी थी उसके बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है वो तो आप लोगों को ही पता होगा तो वह फैक्ट्स उस समय पता चलेगा जब कोर्ट में केस आएगा जब उसकी गवाही होगी लड़के की गवाही होगी दोनों के बात आएगी क्या मनमुटाव रहा दोनों के बीच में और ऐसे केसेस में ज्यादातर क्या होता है आखिर में आके वो केसेस क्वैश हो जाते हैं ये लड़की बाद में मुकर जाती है और वो केस खत्म हो जाता है मोस्टली जो रिपोर्ट के अनुसार है सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट केसेज जो फॉल्स मैरिज के होते हैं उसमें एक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है दोनों पार्टीज में क्योंकि कहीं ना कहीं वो पहले एक साथ ही रहे थे उनके जज्बात थे जो वो साथ थे एक मनमुटाव हुआ जो इतना भारी हो गया या इतने उनके बीच में गैप आ गया एक कम्युनिकेशन गैप आ गया जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए और एक केस की नोबत आई आपका तजुर्बा क्या कहता है किस तरह के कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं क्या वाकई वो फिर शादी के लिए राजी हो जाते हैं देखिए जो कॉम्प्रोमाइज मूलता होते, है, होते हैं वो ज्यादातर होते हैं मोनिट्री वैल्यू में टी यू कंपनसेट हर विद मनी एंड देन द विल बी क्वेस्ट या कोर्ट में जाके ये बोला जाता है कि उस समय जब हमने एफआईआर की थी जब मनोस्थिति अलग थी आज अलग है हम साथ रहना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज भी उसी चीज पे डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर उन लोगों की आपस की बॉन्डिंग के ऊपर और किस तरीके का आज उन दोनों का आपस में व्यवहार है जहां पर भी कोई भी लड़का या लड़की जहां पे भी मेनली केसेस लड़कियां डालती हैं तो जहां पे भी लड़की अगर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है मैच्योर है साउंड माइंड है साउंड माइंड इन ये नहीं कह रहा कि उसको सोचने समझने की क्षमता यह है कि हम एक सिचुएशन में थे आज वो सिचुएशन नहीं है समय चेंज हो गया है हम वो चीज कैरी आउट नहीं कर सकते जहां पे आप एक जिद करेंगे एक रिवेंजफुल चीज करेंगे या जहां पे असली में आपके साथ कुछ हुआ है वहां पे आप केस लेके चलेंगे तो वो कामयाब होगा जहां पे आपको असली में पता है कि नहीं मुझे शुरू से धोखा दिया गया था जैसे पहले उसने बताया था कि मैं शादीशुदा नहीं हूं और मैं तुमसे शादी करूंगा लेकिन बाद में पता चलता है कि वह शादीशुदा है तो वहां पे इनिशियली फ्रॉम द स्टार्टिंग एक धोखा दिया गया था तो ऐसी सिचुएशन में केस करना जायज होगा क्योंकि वह रेप की कैटेगरी में आएगा आपने कहा कि ज्यादातर जो है वो लड़कियां ही करती है क्या कुछ केस ऐसे भी ऐसे भी हैं जिसमें लड़कों ने केस किया हो देखिए नहीं मैं... इस महिला ने, ने मुझे नहीं बताया था इसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है और उसके बाद वो बिल्कुल लड़कों ने भी ऐसे केस डाले हैं लेकिन वह केस ज्यादा ग्रीवियस नेचर के नहीं डाल पाते उनमें वो चीटिंग में आ जाते हैं फ्रॉड में आ जाते हैं इन्हीं चीजों में डलते हैं और उसका आखिर में जाके एक समझौता होके या कोर्ट के उससे वो सेटल डाउन हो जाता है लेकिन जो रेप का मामला होता है वो एक तरह से सोशल स्टिग्मा है आप जब भी एक रेप का केस रजिस्टर करते हैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर इसी मामले में अगर हम इसकी बात करें क्या एक तो रेप होता है दूसरी दूसरी जिसकी डेफिनेशन है वहां एक सोशल स्टिग्मा नजर आता है क्या इस मामले में भी आप कहते हैं कि अदालत यही कहती है कि, कि यह भी एक सोशल स्टिग्मा है देखिए अदालत कहती नहीं है कि यह सोशल स्टिग्मा है अगर यह प्रूव होता है कि आपने फ्रॉड किया था तो ये उसी तरीके का एक सोशल स्टिग्मा है लेकिन हमारी जो भारतीय सोसाइटी है उसमें अगर आपके ऊपर एक रेप का केस डला है चाहे वो प्रोमिस टू मैरिज है आम लोगों को इस बारे में नहीं पता लोगों को यही होगा कि उस व्यक्ति ने रेप किया है उसके ऊपर रेप का केस डाला है पहले वो उस लड़की के साथ रहता था अब रेप का केस डल गया आम लोगों को पता तो, लग जाए इसीलिए पेशकश को लोगों तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग इसके बारे में जान आ, सकें आ, जा. और सबसे ज्यादा नौजवान जो है हमारे मुल्क के क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ की एक बड़ी तादाद है तो वो लोग आज जान सकें कि ये आखिर प्रोमिस टू मैरिज क्या है अब हम अपने दूसरे सवाल जवाब के दौर में आते हैं कि हमारे जो आज स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान हैं इनके ज़हन में क्या सवाल है ये पूछना हम चाहेंगे बताइए आपके क्या सवाल हैं किससे पूछना चाहते हैं गुड आफ्टरनून एवरीबडी माई नेम इज अंजलि और मेरा प्रश्न है सर से सर मैं ये पूछना चाहती हूँ जैसा कि अभी हमारी बातचीत हुई इसमें हमें पता चला कि अगर एक कपल लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद एक बेबी कंसीव करते हैं उसके बाद जो कस्टडी तो मदर के पास रहती है लेकिन उसके सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो एक फादर उठा रहा है लेकिन एक टाइम के बाद बच्चा बड़ा होता है और वो वो बोलता है कि मुझे मदर के साथ नहीं मुझे फादर फादर के साथ रहना है है और उस उस टाइम टाइम पे पे मैरिड तो क्या क्या होगा देखिए इसमें जो चाइल्ड है उसका स्टेटस इलिजिटिमेट चाइल्ड रहेगा तो इीजिटिमेट चाइल्ड कभी भी फादर के साथ बायोलॉजिकल फादर या मदर कस्टडी ले सकते हैं कभी भी कोई ऐसा केस नहीं हो सकता कि बच्चा अपने माँ की या बाप की कस्टडी मांगे कस्टडी क्या होता है कि मैं कौन देख रेख करेगा अब बच्चा ये चूज नहीं कर सकता अनलेस अनलटिल उसके बाप या उसकी मदर यह कह रहे हैं कि हम कस्टडी अगर फाइट कस्टडी के लिए है और बच्चा सात साल से ऊपर है तो बच्चे की गवाही या कोर्ट यह देखेगा कि बच्चा किसके पास रहना चाहता है लेकिन बच्चा खुद ये जाके कोर्ट में नहीं पटिशन डाल सकता है एक चीज नहीं कर सकता है कि मैं अपने फादर के साथ रह सकता हूं क्योंकि उस समय भी बच्चे की नेचुरल गार्जियन उसकी मदर होगी और बच्चे को कोर्ट में जाना होगा थ्रू हर मदर ही वो कोर्ट में जा सकता है तो वह मदर के थ्रू जाकर अपने फादर से अपना राइट नहीं मांग सकता क्योंकि वो एक शादी से पहले जन्मा हुआ बच्चा है और उसका कोई राइट भी किसी तो प्रकार का नहीं रहेगा मेंटेनेंस भी कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनको देनी है नहीं देनी है और किस तरीके से कितनी दी जाएगी गुड आफ्टरनून एवरीबडी Uh, मेरा नाम यश है और मेरा क्वेश्चन सर से है सर आपने कहा कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है अगर कोई लड़की किसी लड़के के ऊपर रेप के चार्जेस लगा रही है और उसके बाद uh, आगे प्रोसेस में वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है और वो uh, शादी भी हो जाती है तो क्या उनका रिलेशनशिप uh, पहले जैसा रह पाएगा देखिए सही मायने में मैं आपको बताता हूँ जो सेक्शन थ्री और सेक्शन थ्री है

सीक्रेट uh, जैसा देखा जाता है तो उस सिचुएशन में तो ये तो बहुत ही फॉल्स चीज हो गई आगे सोसाइटी के लिए भी और हमारे आगे की के के देखिए आप एक लीगलिटी और मोरालिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं मोरालिटी मोरालिटी एक अलग अलग चीज चीज है आ, परसंट तो परसंट है है लीगल होती सो पर्सन पर्सन टू डिपेंड करती कि किस व्यक्ति के लिए क्या मॉरल है और क्या नहीं है मैडम से भी एक स्मॉल रिएक्शन चाहूंगा इस बात के ऊपर जो इन्होंने किया कि एक मसला हो जाता है कि आगे उसी के साथ इंसान के साथ सर्वाइव करना तो आप बताएं क्या आपकी जो रिसर्चस थी, थी उसमें क्या ऐसी चीजें सामने आई कि नहीं उनके साथ तो मजबूरी में रहना पड़ा उन लोगों को नहीं तो ऐसा मैंने मैंने तो बट ये जो क्वेश्चन था आपका कि ये ये फिर क्या है तो ये तो ये तो फिर प्रॉमिस टू मैरी एज अ कॉन्सेप्ट को ही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ऐसा कुछ हो ही हो भी सकता है और बहुत सारी रिसर्चर्स हैं जो ये क्वेश्चन कर रही हैं कि क्या शादी होना चाहिए आ, आ, क्या शादी तो उसका हल है उसका हल है। किसी भी इस ऐसे relationship का प्रॉब्लम है तो क्या शादी हल है? अगर शादी है तो क्या रेप जो है वो शादी के बारे में है या आ, मर्ज, लड़की की मर्जी के बारे में है ये बहुत अहम ये इम्पोर्टेंट और आज है। का जो समाज है उसके अंदर अगर नहीं रहना है तो फिर उसके साथ वो जो चीजें तय होती हैं

को कंसेंट चाहिए उस लड़के से फिजिकल फेवर का और लड़का मना कर देता है और वो रेप केस डाल देती है तो बर्डन ऑफ प्रूफ कैसे प्रूव होगा तो लड़के के कंसेंट का अगर बर्डन ऑफ प्रूफ जब प्रोसीक्यूशन पे है तो लड़की को प्रूव करना होगा उस बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रोसीक्यूशन पे रहता है तो अगर और अगर ऐसा केस है जब ऐसा केस होगा तो फॉल्स प्रॉमिस टू अमेरिका केस प्रूव ही नहीं होगा

हैं, क्योंकि वोटेड फॉर्म ऑफ रेप है, है तो सबसे मतलब पहले, तो सब पहले होनी ही नहीं चाहिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं क्योंकि उनको लगा कि एफआईआर से बड़ी बदनामी हो जाती है तो जब हो गया तो फिर बदनामी भी होती है और उसके लिए फिर कोर्ट है आपके पास कोर्ट्स में जाकर के आप अपने आप को बरी करवाएं जी अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं आपका क्या सवाल है Uh, good afternoon, sir and ma'am. So, my question is to Rohit, sir. That if uh, through a false promise to marry an illegitimate child is born, and if uh, by any case the mother dies, so can the father claim the custody of the child? Yes, the father can claim the custody of the child, being the biological father. He can adopt. He won't claim the custody, he will adopt the child. Okay, so first the child would be considered as an orphan. Orphan, only. then the child will be adopted. Sir, my question is.

इसमें आईटी एक्ट भी आ जाएगा आपका जिसमें आ, इस चीज़ को रोकने के लिए भी करा जाएगा साइबर सेल में भी कंप्लेंट दे सकती है क्योंकि तो इसमें ब्लैक मेलिंग में, में इन्वॉल्व है और हर तरीके से इन्वॉल्व है तो इसमें काफी संगीन अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा और लड़की के पास सारा राइट है उसको एफ कराने के लिए वुमेन सेल में कंप्लेंट देने के लिए और इस तरीके से वो अपना इसको रिजोल्व कर सकती है और उसको सर्कुलेशन को रुकवा भी सकती है तो इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो किसके ऊपर लाय करेगा कि अगर मान लो लड़की तो बर्डन ऑफ प्रूफ वुमेन पे नहीं होती उन्होंने एक कम्प्लेट दी है साथ में एक एविडेंशियरी कुछ वैल्यू दी है तो जी. उसके बाद जो लड़का होता है उसको यह बताना होता है कि यह मेरे खिलाफ गलत है जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद जब पुलिस देखती है कि नहीं इसमें क्या सच है क्या गलत है तो केस आगे प्रोसीड होता है फिर कोर्ट में आता है उसके बाद दोनों पार्टी के सारे बात सारे तथ्य सब कुछ देखे जाते हैं और उसके बाद एक डिफेंस डेवलप करते हैं जो अपोजिट काउंसिल डिफेंस है वो एक डिफेंस अपना बनाएगा और वो उनके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे उस टाइम तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे एविडेंस जो मेनली है जैसे उसका फोन लिया जाएगा उसमें कोई वीडियोस मिलेंगी तो वो सब रिकॉर्ड पे आ जाएगा जिसकी वजह से ये काफी आसान हो जाता है नहीं कोई क्योंकि ब्लैकमेल के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोर्स तो वो इस्तेमाल करेगा और वहां से आपके पास प्रूफ आ जाएंगे एक तो रेप के साथ तो वो मुजरिम है ही लेकिन उसने जो ब्लैकमेलिंग का अपना एक अपना रास्ता अपनाया है उसके साथ वो भी क्राइम हो गया तो एक देखा जाए तो फंसने के और चांसेस उसने बढ़ा लिए अपने इस तरीके से कोई ऐसा ना करे और आज के इस प्रोग्राम में हमने यही कोशिश की है ताकि लोग जान सकें आखिर इस प्रोमिस टू मैरिज के तहत क्या कुछ हो रहा है और अगर कुछ आपके साथ होता है तो आपके लीगल राइट्स जो हैं वो क्या है मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों मेहमानों का और तमाम स्टूडेंट्स का आज की इस पेशकश में शामिल होने के लिए और हमारे तमाम नाजर ने भी आज की इस पेशकश से जरूर कुछ ना कुछ जानकारी कुछ ना कुछ मालूम हासिल की होगी आज की इस पेशकश को हमें यहीं मुकम्मल करना होगा हम आपको छोड़े जाते हैं आज के इस मौजू से मुतल अहम पॉइंट्स के साथ आज के इस एपिसोड को मुकम्मल करने की मुझे इजाज़त दे दीजिए हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और खास मौजू के साथ तब तक के लिए इजाज़त आधा आज हम जानेंगे कि काम की जगह पर पोश एक्ट 2013 का मकसद क्या है हिंदुस्तान में इससे मुतिक कानून साजी काम की जगह पर खातन की जिनसी हरासानी रोकथाम मुमानियत और इजाला एक्ट 2013 हज़ार तेरह पोश एक्ट है इस एक्ट के नतीजे में खुवा काम पर जिनसी हरासानी ऐसी महफूज है मजीद बरां ये हरासानी की शिकायत को रोकने और उनके जाले के लिए फराहम करता है